नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वेतन नहीं मिलने से नाराज पालिका कर्मियों ने काम बंद कर लिया। हड़ताल जानकारी मिलने पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कर्मचारियों से की फोन पर बात। 3 माह से वेतन नहीं मिलने से परेशान नगर पालिका कर्मचारी ने नगर पालिका के गेट में ताला लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। साथ ही वेतन की मांग को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। नगर पालिका के कर्मचारी को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों ने आक्रोशित होकर पालिका के गेट में ताला जड़ दिया। साथ ही आज काम बंद कर हड़ताल कर दिया। नगर पालिका में कांग्रेस के पार्षदों का बहुमत है। आपसी खींचतान के चलते नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अध्यक्ष पद खाली होने की वजह से पालिका से संबंधित कार्य नहीं हो पा रहे हैं और न ही कर्मचारियों का वेतन दिया जा रहा है। वर्तमान में कांग्रेस के 19 पार्षद के साथ बहुमत पर है, फिर भी नए अध्यक्ष का चयन नहीं हुआ है। वरना जिला प्रशासन के द्वारा कोई प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिसका खामियाजा नगर पालिका कर्मचारी को मिल रहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे कर्मचारियों ने आज सुबह काम नहीं करने का निर्णय लेकर आंदोलित हो गए। साथ ही जब तक वेतन नहीं मिल जाता तब तक हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है। क्या मामला है और ये आज नगर पालिका में ताला क्यों लगाया गया? 3 महीने से तनख्वाह नहीं डले है। वह पूरा जितना काम करा थे ना, वो तनख्वाह के लिए एकदम त्रस्त हो गए हैं। वह 1 महीना के उधारी, 2 महीना के उधारी खा रहे हैं, 3 महीने के तनख्वाह नहीं डले है। कोई उधारी दे पर भी राशन दुकान में भी कोई उधारी भी नहीं देते। वह कितना की संख्या में कर्मचारी संख्या कितना है सब कर्मचारी का? हम 200 से ऊपर है। अधिकारी मन लगे तो क्या बोली सर? बोला थे कि 2 दिन 3 दिन करके टाइम देते सर, ओखर बाद तो कोई सुनाई भी नहीं करा थे। वह अब आगे के कारण नहीं दिया आपने? कुछ कारण नहीं दे आगे के लिए। और समय भी मतलब 6 बजे से सुबह से हमने 2 बजे तक काम करा था, कोई भी टाइम नहीं रहा है। बुलाए के एक दिन के छुट्टी भी नहीं दे, मतलब फिर भी हमारे तनख्वाह के लिए ना कुछ सुनाई भी नहीं करा थे। आके भी बोला था फिर भी सुनाई नहीं करा। अब आगे अगर तनख्वाह आगे नहीं मिली का है हड़ताल में बैठेंगे सर? जब तक नहीं सुनी तब तक हड़ताल में बैठेंगे। का नाम आपके? ज्योति कड़वा। नगर पालिका के द्वारा कर्मचारियों के द्वारा आज नगर पालिका में तालाबंदी किया गया, हड़ताल में 3 महीने का वेतन नहीं मिला, इस पर आपके क्या कहना? अभी नगर पालिका कर्मचारियों के माध्यम से ही हमें अवगत हुआ है कि कर्मचारियों का 3 महीने का वेतन नहीं मिला है। अगर इसके लिए कोई दोषी है कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने का, तो यहाँ पर कांग्रेस की सत्ता है नगर पालिका में और यहाँ के अध्यक्ष अपने कर्तव्यों से विमुख होकर इस्तीफा देकर भगा है। और जिस प्रकार से कर्मचारियों का उन्होंने वेतन नहीं दिया, ये निश्चित तौर से गंभीर मामला है। और कांग्रेस का अभी 21 पार्षद होते हुए भी एक कर्मचारी भाइयों का बहनों का तनख्वाह नहीं दे पाना, ये निश्चित तौर से शर्मसार करने वाली बात है। और आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं स्वयं बात किया हूँ और यहाँ के दीदी भाइयों से भी उनकी टेलीफोन के माध्यम से बात कराए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के उप मुख्यमंत्री जी का कहना है कि निश्चित तौर से अविलंब ये जो समस्या है उसकी समाधान करेंगे और 2 दिन के अंदर सिंगल सिग्नेचर पावर के माध्यम से सीएमओ को आर्डर करके जितने भी कर्मचारियों का वेतन जो रुका हुआ है उसको जारी करने का काम करवाने वाले हैं।